विश्वविख्यात पेंटर राम भक्त महेश वैष्णव, जिन्होंने अपने 7 महीनों की कठिन परिश्रम कर दिन रात एक कर तुलसीदास द्वारा रचित रामायण की कल्पना कर पूरी राम कथा का चित्रण किया, पूरी रामायण के अध्याय को तस्वीर के रूप में उभारा। उनकी तस्वीरों को देखकर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार मंत्रमुग्ध हो। इस पर महेश वैष्णव ने कहा, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी के आने से धन्य हो गए, मानो आज हमारे घर सबरी के राम आ गए। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन .in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। मुझे ध्यान 22 जनवरी की एक बात आई, आपको ध्यान होगा 19, 20, 21 जनवरी को सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, बहुत कड़ाके की ठंड थी, 4-5 घंटे बैठना था। तो मैंने किसी से कहा कि अगर 22 को भी ठंड रही तो कैसे लोग बैठेंगे इतनी देर तक, तो उसने कहा चिंता मत करो, भगवान सूर्यवंशी हैं, अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो अच्छी सबको आराम देने वाली धूप निकलेगी। वो निकली और आज भी भगवान के जन्म के समय सूर्य भगवान ने गर्भगृह में प्रवेश करके उनके मस्तक का तिलक स्वयं होकर किया है। ये ऐसा काल आ गया है, ये ऐसा समय आ गया है कि हम भगवान का स्वप्न देखते हैं, सपने में उनसे मांगते हैं, वो साकार हो जाता है। महेश जी की आस्था यह है कि बहुत ही जो इन्होंने 7 महीने की जो अथाह मेहनत करी है और वो एक जो जुड़ाव है उनका श्री राम से, मंदिर जो प्रतिष्ठान हुआ वहाँ पर ये स्थापना हो, उनकी एक बहुत अलौकिक इच्छा है। हमारी भी है जी, और मैंने जैसा कहा हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे और योग्यता के आधार पे करेंगे, इसलिए नहीं कि हम उनको जानते हैं कि इतना सुंदर है कि अयोध्या में किसी आदर के स्थान पर इसको रखा जाए। क्या चाहिए, बस मेरे काफ़ी कुछ सपने साकार हो गए और अभी राम मंदिर में लगने के लिए आश्वासन दिया ही है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पेंटिंग राम मंदिर में लगेगी। कितना वक्त लगा इस पेंटिंग को बनाने में? इस पेंटिंग को बनाने में 7 महीने का टाइम लगा है और 2.5 महीने में पूरा स्केच तैयार हुआ है, बाकी के टाइम में पूरा पेंटिंग का फाइनल हुआ। और कलर जो प्रयोग हुआ है वो कुछ कलर स्टोन कलर काम में लिए हैं और गोधन से कलर, उस स्टोन कलर में गोधन मिला के जो सामग्री और काम किया है जी, आपके बारे में। हाँ, तो इसमें गोधन मिलाया है और स्टोन कलर है और इसमें गोल्ड का काम है सारा और ये मिनीचर काम है, ये मतलब बहुत जल्दी बनने वाली पेंटिंग नहीं है, बहुत डिटेल में इसका काम किया हुआ है। ये लगभग सुबह 4 बजे उठ के भगवान राम की जो भजन सुन के आँख से जैसे आंसू टपक रहे, इस तरह से मैंने अपनी श्रद्धा आस्था से पूरा जीवन का निचोड़ इसमें करने की पूरी कोशिश की।